Good morning, students. Now, today our topic is group therapy. Previous classes के अंदर भी psychotherapies के कुछ parts चल रहे हैं, like individual therapy और उन्हीं के अंदर अपना next point आ रहा है group therapy. What is group therapy? Group वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि ग्रुप मेंबर ऑफ पीपल्स हैं, काफ़ी सारे पीपल्स हैं, वो पर्सन जो वो पेशेंट इसके अंदर वो पर्सन सेलेक्टेड किए गए हैं जो सारे के सारे इमोशनली इल होते हैं और एक दूसरे के साथ में वन टुगेदर अपनी पर्सनालिटी को चेंज करते हैं बाय ए ट्रेंड थेरेपिस्ट. एक ट्रेंड थेरेपिस्ट जो कि इमोशनली इल पेशेंट्स को अपने ग्रुप के अंदर लेता है, सेलेक्ट करता है और उनके अंदर पर्सनालिटी चेंज को इंड्यूस करता है. तो बेसिकली इसी को कहते हैं ग्रुप थेरेपी. अब ये जो ग्रुप थेरेपी है इसके अंदर किस हिसाब से किस तरीकों से सिलेक्शन किया जाएगा पेशेंट का कि किन किन ग्रुप्स को अपन है जो ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई की जाएगी, कौन कौन सी अप्रोच अप्लाई की जाएगी, कौन कौन सी और अदर काइंड ऑफ थेरेपीज दी जाएगी, तो ये सारा अपन डिस्कस करेंगे इस थेरेपी के अंदर. सो ग्रुप थेरेपी अपन ये क्लियर हो ही गया कि इमोशनली इल पेशेंट्स हैं उनका एक ग्रुप लिया जाता है जो वन टुगेदर काम करते हैं एक साथ और अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं बाई ए ट्रेंड थेरेपिस्ट. Then, next point is selection of the patients. Patients का selection किस आधार पर किया जाता है? First of all, क्या क्या criteria होना चाहिए patients का? First one is homogeneous group. Group है वो समान होना चाहिए, एक equal, जैसे एक ही disorder के लोग या एक ही group, मतलब similarity वाले group को, सिमिलरिटी वाले पर्सन्स को, पेशेंट्स को एक ग्रुप के अंदर लिया जाता है. दिस ग्रुप इज नोन एज होमोजीनस ग्रुप. सेकेंड वन इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स को इसके अंदर लिया जाता है जिनके पर्सनैलिटी चेंज किया जाता है बाय द ए थेरेपिस्ट. देन फैमिलीज को लिया जाता है जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर से, पर्टिकुलर सिम्टम से परेशान है, इनको सेलेक्ट किया जाता है ग्रुप थेरेपी के लिए. देन कपल्स, तो ये जो सेलेक्टेड या जो इन पेशेंट्स का, इन टाइप्स के पेशेंट का सिलेक्शन किया जाता है ग्रुप थेरेपी के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है होमोजीनस ग्रुप, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, थर्ड वन इज फैमिलीज, फोर्थ वन इज कपल्स, तो इनका सिलेक्शन किया जाता है. नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट्स या कॉन्ट्राइंडिकेटेड पर्संस फॉर द ग्रुप थेरेपी. ग्रुप थेरेपी के अंदर वो पेशेंट जिनको अपन नहीं ले सकते वो कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी सोशल पेशेंट. जो पेशेंट एंटी सोशल है उनको अपन एक ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर नहीं ले सकते, उनको पर्टिकुलरली डिफरेंट काइंड की थेरेपी लाइक इंडिविजुअल थेरेपी उनको दी जाएगी, ना कि एक ग्रुप के अंदर. देन सेकेंड इज सुसाइडल पेशेंट्स हैं उनको भी ग्रुप थेरेपी के अंदर नहीं लिया जा सकता. थर्ड वन इज सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट्स को भी ग्रुप थेरेपी के अंदर नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे और खुद को आइसोलेट करके रखेंगे, तो इसलिए वहाँ पर ग्रुप थेरेपी नहीं दी जा सकती सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट्स को. फोर्थ वन इज डिल्यूजनल पेशेंट्स को भी ग्रुप थेरेपी नहीं दी जा सकती. क्यों नहीं दी जा सकती? डिल्यूजन के अंदर भी होता है, जिसको पेशेंट को डिल्यूजन होता है वो सोचता है कि जो दो पर्सन बैठे हैं वो मेरे को मारने के बारे में बात कर रहे हैं या मेरी चुगली कर रहे हैं, मतलब फॉल्स बिलीव उसके अंदर रहता है कि वो मेरे अगेंस्ट कोई ना कोई काम कर रहे हैं. तो डिल्यूजनल वाले पेशेंट्स को भी अपन ग्रुप थेरेपी के अंदर नहीं ले सकते. सो दीज आर द कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पेशेंट्स फॉर दी ग्रुप थेरेपी. फर्स्ट वन एंटी सोशल पेशेंट, सेकंड वन इज सुसाइडल पेशेंट्स,
थर्ड वन इज सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट, फोर्थ वन इज डिल्यूजनल पेशेंट, तो इनको अपन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट इज ग्रुप साइज, ग्रुप की साइज क्या होती है, ग्रुप की साइज होती है 8 to 10 मेंबर्स, जो ग्रुप थेरेपी दी जाती है उसके अंदर 8 से 10 लोगों को ही लिया जाता है और एक ट्रेंड थेरेपिस्ट इसके अंदर होना चाहिए। देन अपन बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी और लेंथ कितनी होती है, जो ग्रुप थेरेपी है इसकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में एक बार और लेंथ इसकी होती है 45 या 1 घंटा या 1 आवर, हफ्ते में 1 दिन और 1 से वीक एंड 45 और 1 आवर इज द लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी की लेंथ और फ्रीक्वेंसी ये होती है। ग्रुप साइज अपन ने देख लिया 8 to 10 मेंबर्स। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द अप्रोचेज ऑफ द ग्रुप थेरेपी, क्या क्या अप्रोच रखनी चाहिए थेरेपिस्ट को, थेरेपिस्ट को क्या क्या उसका रोल होगा, ये सारा अपन देखेंगे अप्रोच के अंदर इन ग्रुप थेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच होगी सेफ एंड कंफर्टेबल, सेफ एंड कंफर्टेबल, जो पेशेंट है उसको थेरेपिस्ट के द्वारा एक सेफ एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो सब एक साथ इंटरेक्ट कर सके। देन सेकंड वन इज डेवलपिंग इनसाइट, जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर बाय द थेरेपिस्ट इनसाइट को डेवलप किया जाना चाहिए, मतलब इनसाइट मतलब सेल्फ अवेयरनेस कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या डिसऑर्डर है, वो किसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें वो लोग, तो इनसाइट डेवलप किया जाना ये भी रोल है एक थेरेपिस्ट का। देन थर्ड वन इज वर्बल अब्यूज, जो भी वर्बल अब्यूज होती है साइकेट्रिक इल पेशेंट्स या पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को, तो वर्बल अब्यूज को भी अवॉइड करना ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अप्रोच बन जाती है थेरेपिस्ट के लिए, तो ये सब चीजें अवॉइड होनी चाहिए, रिमूव होनी चाहिए वहां से। फोर्थ वन इज पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, पेशेंट का ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट अगर किया जाएगा, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट करने से उसके अंदर सेल्फ स्टीम डेवलप होगी, उसके अंदर बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी और ज्यादा से ज्यादा वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट एक अच्छा एक कंपल्सरी अप्रोच है फॉर दी थेरेपिस्ट। देन वी आर टॉकिंग अबाउट सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग, एक सपोर्टिव सहारा देने वाला सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए थेरेपिस्ट को, जो पेशेंट है उसको एक सपोर्ट देना चाहिए। देन नॉन थ्रेटनिंग, उसको किसी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए, अपन उसको किसी तरह से डराए नहीं, कोई किसी के लिए धमकाए नहीं, उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और रीइन्फोर्समेंट किया जाना चाहिए, तो इसी तरह सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट उसको दिया जाए। नेक्स्ट वन यूथ साइलेंस, यूथ साइलेंस, इसके अंदर देखा जाए कि जो ग्रुप है उसके अंदर साइलेंस भी इंड्यूस की जाए ताकि पेशेंट्स के अंदर वो खुद एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकें, वो भी अपने को उनके लिए टाइम देना होगा, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को कॉपी भी करेंगे, पर्सनालिटी भी चेंज करेंगे, तो इस हिसाब से तो ये जो है यूज ऑफ साइलेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेवंथ इज रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग बाई दी थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट को एक रोल प्लेइंग के रूप में काम करना चाहिए, आइडियल के रूप में काम करना चाहिए, जैसे कि जो ग्रुप मेंबर्स है उसको देखकर उसको फॉलो करे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ द थेरेप्यूटिक फैक्टर्स ऑफ द ग्रुप थेरेपी, कौन कौन से थेरेप्यूटिक फैक्टर्स हैं जो ग्रुप थेरेपी के अंदर काम में लिए जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग एक्सपीरियंस, सेकेंड सपोर्ट एंड फ्रॉम ग्रुप मेंबर्स, थर्ड वन इज सोशलाइजेशन, फोर्थ वन इज इमिटेशन, फिफ्थ वन इज इंटरपर्सनल लर्निंग, तो ये सारे थेरेप्यूटिक फैक्टर्स हैं। तो शेयरिंग
एक्सपीरियंस, शेयरिंग एक्सपीरियंस के अंदर जो जो पेशेंट्स के आपस के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग आपस के अंदर शेयर करते हैं। तो आपस में शेयर करने से ऐसा होता है कि उन सबको फील होता है कि सभी ग्रुप मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, तो वो उन परेशानियों से, उन सिम्टम से काफ़ी हद तक कोप अप कर सकते हैं। देन सपोर्ट एंड टू फॉर्म ग्रुप मेंबर, ग्रुप मेंबर्स के अंदर एक सपोर्टिव, एक बॉन्डिंग डेवलप की जाती है। देन सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन ग्रुप के अंदर अगर किसी 8 या 10 लोगों को अटैच किया जाता है तो उनके अंदर एक सोशलाइजेशन, एक दूसरे के साथ काम करना, एक दूसरे से बोलना, एक दूसरे की हेल्प करना, तो इससे एक सोशलाइजेशन की फीलिंग्स है जो डेवलप होती है, जो कि पर्सनैलिटी चेंज के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज है। देन इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब है कॉपी करना। अगर कोई अच्छा ग्रुप है, उसके ग्रुप के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे मेंबर्स हैं, तो क्या होगा, उसके अंदर इमिटेशन होगा, जो अदर पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनका बिहेवियर है, उनको इमिटेट करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, तो उनका कॉपी करने से भी काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस इंड्यूस होंगे। देन इंटरपर्सनल लर्निंग, इंटरपर्सनल लर्निंग, जब 10 लोग आपस में साथ रहेंगे तो उनके बीच में इंटरपर्सनल लर्निंग भी इंड्यूस होगी, आपस में एक दूसरे के करेक्टरिस्टिक्स और आपस में उनके थॉट्स, उनके जो डिफ़िकल्टी जो फेस कर रहे हैं, सिम्टम्स जो फेस कर रहे हैं, वो सब आपस में शेयर करेंगे, तो उनका इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है और लर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। देन नेक्स्ट द टेक्निक ऑफ द ग्रुप थेरेपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निक इज रिवार्डिंग। रिवार्डिंग मीन्स वॉट, अगर कोई पेशेंट या ग्रुप मेंबर ग्रुप थेरेपी के अंदर आपके क्वेश्चंस का, थेरेपिस्ट के क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दे रहा है, तो उसको हाथों हाथ रिवर्ट या रिवार्ड देना चाहिए, उसको हाथों हाथ आंसर या उसको रिवार्ड देना चाहिए, ताकि उसके अंदर सेल्फ इस्टीम डेवलप हो और वो ज़्यादा ग्रुप के अंदर इनिशिएटिव या अच्छे से वो पार्टिसिपेट करें। देन सेकंड वन इज आस्किंग फॉर ग्रुप रिएक्शन टू वन मेंबर स्टेटमेंट। जो एक पर्सन होता है ग्रुप के अंदर, वो कोई भी अपनी स्टेटमेंट देता है, तो उसके बारे में अदर ग्रुप की जो मेंबर्स हैं उनकी रिएक्शन को भी सुनना। तो इससे भी क्या होगा, एक पर्सन कि जो स्टेटमेंट दूसरे पर्सन है, जो दूसरे ग्रुप मेंबर है, वो बताएंगे, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा ग्रुप के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, इंटरपर्सनल लर्निंग है, रिलेशनशिप है, और ज़्यादा डेवलप होगी। देन थर्ड वन इज द पेंटिंग आउट, पॉइंटिंग आउट एंड शेयर्ड फीलिंग्स इन द ग्रुप। जो फीलिंग्स है वो शेयर की जाती है इन द ग्रुप थेरेपी। देन समराइजिंग वेरियस पॉइंट्स एट द एंड ऑफ सीजन। जो मेन मेन टॉपिक्स होती है, जो बातें होती है एंड ऑफ द सीजन, एंड ऑफ द सेशन, सेशन के एंड में सब चीज़ों को समराइज करके एक छोटे से रूप में उनको बताया जाता है। तो ये सारी टेक्निक्स हैं फॉर द ग्रुप थेरेपी। तो इसी के साथ अपना ग्रुप थेरेपी है जो कंप्लीट होता है। ग्रुप थेरेपी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा इसकी डेफिनेशन, देन अपन ने देखा सिलेक्शन कौन कौन से पेशेंट का किया जाता जाएगा, लाइक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों का किया जाएगा और फैमिलीज कपल्स का किया जाएगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन कौन से हैं, जो सुसाइडल है, एंटी सोशल है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फिर अपन ने देखा कि इसकी लेंथ है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। फिर अपन ने देखा इसकी कौन कौन सी अप्रोचेज होती है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। अप्रोचेज के बाद में अपन ने देखा कि कौन कौन सी थेरापिटिक फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में पढ़ने के बाद में अपन ने देखा वेरियस टेक्निक्स ऑफ दी ग्रुप थेरेपी। सो थैंक यू वेरी मच।